नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों आज मैं आप पर बात करते हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड 2018 के विषय में। दोस्तों जो प्राध्यापक भर्ती 2018 थी उसके फॉर्म फिल हो चुके हैं। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने अभ्यर्थी बढ़े हैं, इन पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कुल जो पोस्ट थी वो पहले भी 5000 थी और अब भी 5000 ही हैं, तो पोस्ट नहीं बढ़ाई गई थी, 5000 पोस्ट रही हैं, लेकिन फॉर्म जो हैं वो बढ़ गए हैं। यानी दोस्तों पहले इसमें फॉर्म जो थे वो 4 लाख थे और अब 1.5 लाख फॉर्म और बढ़ करके कुल फॉर्म 5.5 लाख हो गए हैं। तो दोस्तों इससे कंपटीशन जो है वो और बढ़ चुका है, यानी एक पद के लिए 110 अभ्यर्थी अब आपके कंपटीशन में दौड़ में हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यूज़ को। तो देखिए दोस्तों ये न्यूज़पेपर के एक कटिंग है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राध्यापक भर्ती 2018 MBC EWS आरक्षण के बाद 1.5 लाख अभ्यर्थियों को और मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, जो ये आरक्षण बढ़ा है उसके बाद जो दोबारा से फॉर्म अप्लाई किए गए थे तो 1.5 लाख अभ्यर्थी और बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों कुल 5000 ही पद थे और अभी भी 5000 हैं, तो प्रदेश के 5.5 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, एक पद पर 110 अभ्यर्थी दौड़ में। तो दोस्तों एक पद पर 110 अभ्यर्थी दौड़ में आ गए हैं। तो देखिए दोस्तों पहले जो अभ्यर्थी थे वो एक पद पर 80 अभ्यर्थी थे जो अब बढ़कर 110 हो गए हैं। पढ़ते हैं पूरी खबर को, आप देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापकों के 5000 पदों की भर्ती के लिए ली जाने वाली प्राध्यापक भर्ती स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 में आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS, अति पिछड़ा वर्ग MBC और शारीरिक रूप से विकलांग यानी PH आरक्षण का लाभ मिलने के बाद 1.5 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इन्हें मिलाकर अब इस परीक्षा में प्रदेश के 5.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। अब इस परीक्षा में अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला और कड़ा हो गया है, अब प्रत्येक पद के लिए 110 अभ्यर्थी दौड़ में रहेंगे। आयोग द्वारा पूर्व में 26 जून 2018 तक ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए थे, तब EWS और MBC का 5% आरक्षण नहीं था। उस समय आयोग को करीब 4 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए क्रम से EWS आरक्षण 10% और MBC 5% को शामिल करने के बाद आयोग ने 23 सितंबर से अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन मांगे। इसके बाद आयोग को करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन और मिले हैं। इस तरह दोनों आवेदनों की संख्या का आंकड़ा करीब 5.5 लाख तक पहुँच गया है। अभी आयोग ने आवेदन पत्रों का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, माना यही जा रहा है कि इतने अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रविष्ट होंगे। देखिए दोस्तों अभी जो RPSC है उसने आधिकारिक तौर पर ये बिल्कुल घोषित नहीं किया है कि इतने फॉर्म भरे गए हैं, इतने अभ्यर्थी हुए हैं टोटल, लेकिन ये आंकड़ा था जो बिल्कुल लगभग तय है। पिछली पहले दौड़ में थे 80 और अब हो गए 110 अभ्यर्थी। तो जी हाँ दोस्तों पहले 80 अभ्यर्थी थे एक पद के लिए जो अब बढ़कर 110 हो गए हैं। 5000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में पूर्व में 4 लाख अभ्यर्थियों के हिसाब से एक पद के लिए 80 अभ्यर्थी दौड़ में थे, अब यह संख्या बढ़कर 110 पहुंच गई है, यानी 30 अभ्यर्थियों का इजाफा और हो गया है प्रति पद के लिए। 20 विषयों के लिए होगी परीक्षा। आयोग द्वारा कुल 20 विषयों में प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इसमें भूगोल के 782, अर्थशास्त्र के 129, पंजाबी के 15, राजस्थानी के 6, लोक प्रशासन के 5, समाजशास्त्र के 32, चित्रकला 40, संगीत 6, इतिहास 613, वाणिज्य 118, जीव विज्ञान 166, रसायन 160, गृह विज्ञान 54, हिंदी 849, राजनीति विज्ञान 815, भौतिक 187, कृषि 370, गणित 193, अंग्रेजी 304 और संस्कृत के 156 पद शामिल हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हो हर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इतने इतने पद हैं और परीक्षा तिथि का इंतजार। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा चुके हैं, अब प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को इस परीक्षा की आयोजन की तिथि का इंतजार है। अभ्यर्थियों की चिंता यह है कि आयोग परीक्षा इस साल में ही लेगा या अगले साल में आयोजित होगी। अब तक परीक्षा के लिए कोई तिथि तय नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों अभी तक परीक्षा की कोई तिथि नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि दिसंबर में या जनवरी के आसपास ये परीक्षा हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर आज की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए एजुकेशन न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।